नमस्ते श्रीमा केवल सुप्रमेंटल मैनिफेस्टेशन इतना काफ़ी नहीं था उनके दिव्य कर्म के लिए ये आवश्यकता था आवश्यक था कि उससे जितने सारे सृष्टि में जितने भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु मनुष्य प्लांट सबके साथ उनका लिंक जोड़ना था क्योंकि नहीं तो सारी श्रृंखला पूरी अपसेट हो सकती है सावित्री में इसका वर्णन आता है क्योंकि सुपर माइंड आ गया है लेकिन उसका हर चीज़ के साथ अब लिंक जुड़ना है यही चीज़ हम देखते हैं जब सीमा का पेड़ों के साथ पौधों के साथ इन सब के साथ एक कनेक्शन जुड़ता है और पशुओं के साथ एक बड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं इसमें एक है जब सील्स जो सील जो पानी में रहने वाली मछली नहीं होती है लेकिन मछली जैसी होती है वो पानी पे भी रह सकती है और लैंड पर भी रह सकती है और नॉर्वे में उनके बच्चों को लोग निर्ममता से मार रहे थे नॉर्वे में कनाडा में जहाँ ठंडे देशों में पाई जाती है ठंडे पानी में और उनके ब, उनके जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर श्वेत फर का कोट रहता है श्वेत रोए होते हैं उनके जो कुछ हफ्तों के बाद झड़ जाते हैं तो लोग इतनी निर्ममता से उनको मार रहे थे मार करके वो उनकी पूरी स्किन निकाल करके बाद में इसको फर कोट जो व्हाइट फर कोट तो माँ इसके बिल्कुल अगेंस्ट थी कि इस प्रकार से ये लोग इतनी निर्ममता से मारते हैं और उस चेतना को लोग पहनते हैं उसको अपने ऊपर धारण करते हैं तो उस समय जब ये सील की सारी समस्या चल रही थी तो श्री माँ के पास एक मैसेज भी आया जिसमें लोगों ने एक पटिशन स्टार्ट किया था ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पटिशन्स पे भी माँ ने साइन किया है कि अगर भारतवर्ष से कोई प्रभावशाली लोग अगर इस पटिशन पे साइन करें तो शायद इसका प्रभाव पड़े नॉर्वे और कैनेडा के मानसिकता पर तो श्रीमा ने उसको साइन किया और वहाँ सिग्नेचर में शीमा लिखती हैं दी मदर शिविंदु आश्रम पाण्डिचेरी तो ये सील्स के ऊपर पटिशन आई थिंक सिक्सटीज़ की बात है ये लेकिन माँ ने साथ में एक और एक्शन किया वो वो कहती हैं कि सील्स बड़े ही होते हैं वो साधारण नहीं होते हैं उनकी फोटोग्राफ्स माने देखी फिर माने सील की जो स्पेसीज है उसको मैसेज दिया कि तुम माइग्रेट करो वहाँ से ये जो जगह है ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए और अगर आप हिस्टोरिकली देखें माँ तो वहाँ मैसेज देख के उसके आगे कुछ नहीं कहती हैं हिस्टोरिकली देखें तो दो साल के बाद सील्स का जो माइग्रेशन हुआ उनकी पूरी हैबिटेट चेंज हुई जिसके बारे में वैज्ञानिक भी कि भाई ये कैसे हुआ परंतु सीमा कहीं एक और हम देखते हैं कि चाइनीज़ को मैसेज दे रही हैं पीछे हटने के लिए कहीं सीज़ को मैसेज दे रही है माइग्रेट करने के लिए कहीं दुर्गा दुर्गा माँ को कह रही हैं कि हैव यू तुम्हें पसंद आता है इस तरह से लोग जो पूजा पाठ करते हैं ढोल पीट के तो दुर्गा कहती है मैं क्या करूँ मैं तो नहीं चाहती हूं लेकिन लोग ऐसा करते हैं तो शीमा कहती है वाई डोंट यू सरेंडर टू दी सुप्रीम तो ये चीज़ माँ बताती है कि गॉड्स अपने आप में एब्सोल्यूट होते हैं इतने पावरफुल होते हैं फॉर्मिडेबल होते हैं दुर्गा जी के बारे में उन्होंने बताया तो उनको ये सरेंडर का कंसेप्ट नहीं है तो चैत्य के साथ मनुष्य के अंदर आता है लेकिन ये उनके लिए आवश्यकता था कि देवताओं को भी वो सही ढंग से जैसे हमने देखा कि वो टाइटन्स के ऊपर भी कार्य कर रही थी वैसे ही देवताओं के ऊपर तो जब दुर्गा सरेंडर करती हैं तो सीमा बताती हैं कि उनकी कार्यशैली बदल जाती है अब वो डायरेक्ट सुप्रीम के इन्फ्लुएंस में कार्य करती हैं इसका अर्थ ये हुआ कि पहले बाहर में जब असुर चारों तरफ हॉस्टाइल फोर्सेस अटैक कर रही हैं तो दुर्गा जा के उनको विनाश करना या उनको ढकेल देना लेकिन अब वो रूपांतरण में सहायक हो गई कि रूपांतरण में जो डिफ़िकल्टीज हैं जो हम लोगों को कन्फाइन uh, कर देती हैं जो हमको विकास नहीं करने देती हैं उन पर उनका असर प्रारंभ हो जाता है तो ये भी माँ बताती हैं तो इस प्रकार के कई uh, और भी कार्य चल रहे थे एक स्टोरी uh, है बड़ी इंटरेस्टिंग कि जब अपोलो नाइनटीन में लैंड करता है मून पे और जब वापस आ रहा होता है तो कुछ कठिन घड़ियाँ थी क्योंकि इनको कनेक्ट करना था तो डिसाइपल उनसे कह रहा था कि दे आर गोइंग थ्रू ए डिफ़िकल्ट मोमेंट तो माँ सुनती हैं फिर कहती हैं कि बच्चे यहाँ बड़े एक्साइटेड थे और मेरा मन किया कि मैं इनको वो बोलूँ कि बिग बॉय इज़ हैविंग फन लेकिन मैंने कहा कि वो परेशान हो जाएंगे क्योंकि वो तो बड़े एक्साइटेड हैं इसके बारे में ये बड़े खिलौने से खेल रहे हैं और कुछ नहीं लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि वहाँ कठिन घड़ियाँ हैं माँ बताती हैं कि शी वेंट इन टू ए ट्रांस बाहर निकली शरीर से जा के उन्होंने उनकी हेल्प की और माँ बता दी पूरा वो मून कैसा डिवास्टेटेड कर दिया इन्होंने बहुत पहले सीमा भ्रमण करती थी कई ग्रहों पर शेयरबिंद ने इसकी पुष्टि भी की है लेकिन कार्य धरती पर है शरीर के अंदर है इसलिए उन्होंने इसका बंधन स्वीकार किया उसी समय एक कॉमेट पास करता है धरती इकेया नाम का कॉमेट है धूमकेतु और भारतवर्ष में देखिए हिंदू कल्चर में भी और क्रिश्चियनिटी में भी धूमकेतु को के अलग अलग इंटरप्रटेशन है कुछ लोग इसको ईविल मानते हैं लेकिन मेजॉरिटी इसको एंजेलिक बीइंग्स मानते हैं कि इनके ऊपर कोई एंजल रहता है जो इसको इसके कोर्स को कंडक्ट करता है यानी तारा पुच्छल तारा जिसकी पीछे में पूछ भी होती है तो जब वो पास करता है तो माँ अचानक देखती है कि उसमें एक बींग है जो काफ़ी स्प्रिंकल कर रहा है एक पाउडरी सब्सटेंस और माँ कहती हैं कि वो जब ये कर रहा था कह रहा था कि इसको ऐसे आप पूरी पृथ्वी पर स्प्रेड कर दो ये हेल्प करेगा रूपांतरण में तो इस प्रकार के कई अलग अलग लोगों से अलग अलग देवताओं के साथ कभी टाइटन्स के साथ देवताओं के साथ इन बींग्स के साथ एक बहु आयामी दृष्टि और एक बहुआयामी कर्म हो रहा था सीमा का और बाहर से तो केवल ये था कि वो अपने रूम में है कुछ लोगों से मिल रही हैं बाहर से कुछ मनुष्य हैं इत्यादि लेकिन ये कई लेवल्स पे सीमा का काम चल रहा था उसी समय एक और चीज़ बताती हैं बड़ी इंटरेस्टिंग कि उदार दा ने उनसे पूछा कि ये जो न्यू एज के बच्चे जो शे ने विजन एंड द बून सावित्री बुक थ्री कैंटो फोर में है वो कब आएंगे माने कहा कि आने शुरू हो गए हैं और खासकर 1967 के बाद कुछ एक तो ऐसे बच्चे हैं जो हज़ार वर्षों तक सोल्स वेट कर रही थी और अब जो डिवोटीज़ हैं दे शुड इंस्पायर किए बच्चे आए ताकि वो और माँ ये भी बताती हैं तीन महीने के पहले क्योंकि उसके बाद में फिर वो कोई ना कोई बींग लैच ऑन कर लेता है तो प्रारंभ से ही एस्पायर करें जिनको बच्चे चाहिए जो इस प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं मातृत्व की प्रोसेस से कि इस प्रकार के बच्चे आएँ लेकिन माँ फिर सचेत करती हैं कि देखो एक चीज़ स्मरण रखना ये बच्चे बड़े भिन्न होंगे और बड़ा कठिन होगा इनको पालना पोषना क्योंकि ये किसी भी सीमित मापदंड में बंधे नहीं होंगे माँ कई जगह इसका संकेत देती हैं दे विल नॉट बी गुड मैनर्ड ये वर्ड यूज़ करती हैं इल मैनर्ड यानी आपको ऐसा लगे कि इनको तो ठीक से बात भी नहीं करना आता है लेकिन वास्तव में ये बच्चे एक नई ऊर्जा लेकर के आ रहे हैं एक नया प्राण लेकर के आ रहे हैं तो उनको ब्रिंगअप करना बहुत कठिन होगा उनके प्रश्न अलग होंगे उनकी उनका व्यवहार अलग होगा तो ये लेकिन 90, 60, फिफ्टी सिक्स के बाद लेकिन सिक्सटी सेवन के बाद और भी अधिक ये न्यू एज के बच्चे आ रहे हैं इसकी बात कई लोगों ने इसकी पुष्टि भी की है लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम था जो माँ शरीर के ऊपर कर रही थी वो था कि सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस का बॉडी के साथ लिंक तो उन्होंने अपने शरीर को तो से पीछे हट गई थी इस जैसे हम लोगों ने पढ़ा शरीर छोड़ दिया ये भी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं था लेकिन वो शरीर को उन्होंने रखा हुआ था क्यों रखा हुआ था क्योंकि उसके थ्रू पूरे संसार में एक्ट करने का वो एक माध्यम था जिसकी बात हम लोगों ने पढ़ी कि डिसेंट्रलाइजेशन होकर के सारी सेल्स डिज़ोल्व हो जाए इसकी भी एक जगह चर्चा करती हैं कि ये कैसे होता है तो माँ बताती हैं कि जब ये सेल्स मृत्यु के बाद डिज़ोल्व होती हैं तो वे सेल्स जो सुप्रीम की ओर मुड़ गई हैं यानी वो नेचुरली अपनी बॉडी की बात कर रही हैं लेकिन वो बड़े इम्पर्सनली बात कर रही हैं वे सेल्स जो मुड़ गई हैं वो ये नहीं कहती अपने बॉडी की सेल्स तो वो जो सुप्रीम की ओर खुल गई हैं जब बॉडी का डिजोल्यूशन होगा धीरे धीरे डिजनरेशन होगा मृत्यु के बाद और सेल्स का भी डिजोल्यूशन होगा क्योंकि ये एक प्रोसेस है तो उनकी जो चेतना है वो जगह जगह जाकर एक कंटेजियोन के रूप में सारे संसार में फैलेगी और वो कहती है कि आई कैन सी कि मेरा बॉडी श्रिंक होता जा रहा है और ये ऑलरेडी कंटेजन शुरू हो गया था हम लोग कंटेजोन शब्द बड़े नेगेटिव ढंग से यूज़ करते हैं वायरस का कंटेजन रोग का कंटेजन लेकिन एक रिवर्स कंटेजन है जहां हम स्वास्थ्य का कंटेजन होप का कंटेजन लाइट का कंटेजन प्रेम का कंटेजन संक्रमण अगर हम शब्द यूज करें ज्ञान का संक्रमण और यहाँ तो सीमा कहती हैं कि ना केवल दिव्य ऊर्जा दिव्य चेतना से जो सेल्स चल रही थी उन सेल्स की चेतना का संक्रमण और मां कह रही है कि जहां भी जो भी रिसेप्टिव है तैयार है उसके अंदर यह जाकर सुप्रमेंटल प्रोसेस चेंज की ओर प्रारंभ कर देंगी अब यह हमारी कल्पना के परे है कि किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है कि माता जी की जो सेल्स हैं कोशिकाएं हैं ये जाकर डिजोल्व हो रही हैं और जाके उन लोगों को पकड़ रही हैं अब उसमें वो बताती हैं इट इज़ नॉट अबाउट डिस्टेंस की कोई बहुत नज़दीक है जहाँ भी जो रिसेप्टिव है ओपिन है तैयार है उनके अंदर ये जाकर के लैच ऑन कर रही हैं और उनके अंदर सुपरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस सेल्स के अंदर सेलुलर योगा का प्रारंभ करेंगी तो ये सारा जो प्रोसेस चल रही थी उसमें एक जो सबसे बड़ा लिंक बार बार माँ लिंक की बात करती हैं अगर हम देखें फिफ्टी सिक्स के बाद से ऑलमोस्ट सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट तक तो वो लिंक पहली बार जो कंक्रीट रूप से बनता है जिसको कहें कि हम खुलता है निकलता है लिंक कई जगहों पर एस्टैब्लिश हो रहा है लेकिन जो परमानेंटली एस्टैब्लिश होता है वो है पहली जनवरी उन्नीस फर्स्ट जनवरी 1969, उस दिन सुपरमैन कॉन्शियस का डिसेंट होता है और हम हम लोग थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे पहले जनवरी 1969 को सीमा बताती हैं रात को धीरे 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 सुबह जैसे जैसे हो रही थी ऐसा प्रतीत ऐसा हुआ प्रतीत नहीं बोल रही है देर वॉज एज दो ए गोल्डन डॉन एक स्वर्णिम उषा उषा काल आया और पूरा वातावरण प्रकाश में हो गया शरीर को अनुभव हुआ कि हाँ सच में यह बिल्कुल सच में नया है ए गोल्डन लाइट एक स्वर्णिम प्रकाश ट्रांसपेरेंट एंड बेनेवोलेंट ये शब्द बार बार आएगा इस चेतना के बारे में बेनेवोलेंट एक ऐसी चीज जिसके अंदर द्वेष घृणा ये सब असंभव है जिसके अंदर एक करुणा है बेनेवोलेंट है जो सहज भाव से अपने आप को देती है संसार को इन द सेंस ऑफ ए सर्टेनिटी फिर ये भी कहती है कि कैसा वो बेनेवोलेंट है कि उसमें एक सर्टेनिटी भी है साथ में निश्चितता है ए हारमोनियस सर्टेनिटी इट वॉज न्यू देयर यू आर यानी एक ऐसा बेनेवोलेंट जहां निश्चित है किसी को जैसे शिव ने वरदान दिया या श्री कृष्ण ने कुछ कहा उनको वो निश्चित है कि ऐसा ही होगा इस प्रकार से वो बेनेवोलेंस है निश्चितता के साथ एंड वेन आई से बोनानी टू पीपल इट इज़ दिस विच आई पास ऑन टू दैम उसके बाद वो माँ कहती भी कि जब कोई कहता है मुझे हैप्पी बर्थडे तो ऐसा लगता है कि वो मेरा ही नहीं सबका बर्थडे क्योंकि वो शरीर अब उनका है नहीं और माँ भी कहती हैं कि एवरीबडी इज़ बर्थ तो उसी प्रकार से वो कहती हैं कि बोनानी जब मैं लोगों को कर रही थी आज तो मैं इस चेतना को लोगों को पास कर रही थी and this morning I have passed my time like this spontaneously saying बोनाने 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 मैं सबको uh, happy new year इस प्रकार से pass on कर रही थी इसी समय हम लोग जानते हैं कि 69 में 65 या 66 में पुरानी जी चले गए थे तो उनके भी शरीर को शीमा ने देखा उनकी तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी वो अमेरिका बुलाया गया था तो अमेरिका गए थे माँ के कुछ बच्चे इस प्रकार से उन्होंने देश विदेश में जाके उनका काम किया तो पुरानी जी को सीमा ने स्वीकृति दी थी लेकिन ये भी कहा था कि देखो वो बहुत ही उनका स्ट्रांग वाइटल है और ये वाइटल तुम झेल नहीं पाओगे तुम तो वेजिटेरियन खाना खाते हो तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी तो वो इतना स्ट्रांग वाइटल खैर पुरानी जी गए फिर आए बहुत वर्ष उसके बाद वो जीवित नहीं रहे क्योंकि वो वाइटल इतना स्ट्रांग है कि वो पुल कर लेता है एक प्रकार से उसका प्रभाव होता है परंतु सीमा बताती हैं कि जब मैंने उनको देखा कई बार देखा उनको लौटते हुए नई चेतना की मड में जहाँ पे एक नया सब्सटेंस है जो पिंकिश गोल्डन कलर का है और पुरानी बहुत खुश लग रहे थे फिर वो कहती हैं कि उनका हायर इंटेलेक्ट शेयरविंद के साथ फ्यूज़ हो जाता है साइकिक बींग मेरे साथ है और वाइटल उनका हेल्प कर रहा है सबको अमृता के बारे में भी ऐसी बात करती हैं कि अमृता ने कहा मैं माँ आपके ही साथ हूँ सतत लेकिन फ्यूज़ होने की जगह वो सबको हेल्प करने के लिए मैं प्रस्तुत रहूँगा पवित्रता पूरी सेलुलर कॉन्शियसनेस तक निकाल करके सीमा के अंदर डाल देते हैं तो ये दोनों अमृता और पवित्रता 69 में शरीर उनका पूरा होता है अमृदा की तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं जब उनको जो बाहर से कहते हैं हार्ट अटैक तो जब उनको किसी ने पूछा कि अमृत क्या हो गया था तो उनको बड़े उसमें कि मुस्कुरा के कहते कुछ नहीं माय स्वीट हार्ट इज गिविंग मी सम ट्रबल अब वो अपने की हार्ट में जो भी समस्या थी और जिस दिन वो गए हैं उस भी उस दिन भी वो शाम को कोई उनसे मिलता है कहते हैं कि ये मृत्युंजय दा का अकाउंट है आई थिंक शाम को वो पाँच साढ़े पाँच या छः बजे मिलते हैं कि अमृता आर यू ऑल राइट ही सेड यस आई एम ऑल राइट लेकिन वो लग रहे थे जैसे थके हुए थोड़े फिर उसके बाद वो उठते हैं आठ साढ़े आठ के बीच हाथ पांव धोते हैं पूरा मुख धो के आते हैं कुर्सी पर बैठते हैं और उस अवस्था में वो शरीर छोड़ते हैं और उनके उसमें छोटे से छोटे से लेकर डिग्निटरी सब आए क्योंकि वो इस इतना उनके अंदर सहज प्रेम सबके प्रति तो इस प्रकार से ये सारी घटनाएं हो रही थी इस बीच में ये सुपरमैन कॉन्शियसनेस डिसेंड करती है अमृतदा और पवित्रदा इसके बाद जाते हैं 69 में जाते हैं तो थोड़े से हम उन अनुभवों को पढ़ते हुए चलेंगे जो सुपरमैन कॉन्शियस से संबंधित हैं क्योंकि इनका इम्प्लीकेशन है आगे चलकर तो पहले माँ जनवरी फोर को बताती हैं इस चेतना के बारे में हैप्पी न्यू ईयर और उसके बाद वो फिर 8 जनवरी को निश्चित रूप से कहती हैं इट इज़ द डिसेंट ऑफ द सुपरमैन कॉन्शियसनेस अब सुपरमैन कॉन्शियसनेस हम देखेंगे कि शेरविंद सुपरमैन की बात करते हैं और शीमा भी बताती हैं कि सुपरमैन वो कड़ी होगी जो मनुष्य को सुपरमेंटल बीइंग से जोड़ेगी और माँ पुष्टि करती हैं कि ये वही कड़ी है जो अपने आप को प्रेजेंट करती है बॉडी की चेतना में और शेयरविंद ने भी सुपरमैन के बारे में बहुत अद्भुत लिखा है कि सुपरमैन कौन है और बताते हैं कि मनुष्य दो प्रकार के सुपरमैन प्रस्तुत करता है समझता है एक है जो देव की दिशा में जाता है भारतवर्ष में ऐसे सुपर ह्यूमन बीइंग्स हुए हैं और दूसरा जो असुर की दिशा में जाता है जो हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो हाई कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर एक रेस्टलेस एग्रेसिवनेस एलेक्जेंडर जूलियस सीजर इत्यादि भारतवर्ष में मर्यादा पुरुषोत्तम राम अर्जुन इत्यादि वो दूसरी तरह की सुपर ह्यूमन अवस्था है लेकिन सुपरमैन सुपर ह्यूमन सुपर के भी परे है और तब वो बताते हैं कि सुपरमैन चेतना कैसी होगी वहाँ भी शेयरविंद कहते हैं बेनेवोलेंट होगा कॉम्पैशनेट होगा आप देखिए जो युद्ध हुआ था 62 में सीमा के शरीर पे वो कहती हैं कि दो दिशा में ये एक होगा जो रिलीजन बनाएगा शे का जो क्रूर होगा तो श्री बताते हैं कि जो आसुरी हैं वो तब तक संतुष्ट नहीं होती हैं उनका सुपरमैन का आइडिया है कि लोगों को हम क्रश करें अपने अंडर वो लोगों को अपने पाँव के नीचे रखकर जब तक वो कीड़े की तरह आदमी छटपटाता नहीं है तब तक उनको ये महसूस नहीं होता है कि वो बड़ी हैं। जबकि जो सुपरमैन है वो उसके अंदर देने का भाव है ही रूल्स बाई सर्विस एंड ही सर्व्स टू रूल सो so, उसके अंदर सेवा का भाव रहता है और इस प्रकार से वो स्वराट और सम्राट होता है साथ ही बताते हैं कि एक सुपरमैन के अंदर एक हारमोनी होती है ज्ञान की प्रेम की और कर्म की ये तीनों चीज़ें कोई एक एस्पेक्ट नहीं होता है भगवान का ये भी श्री अरविंद बताते हैं कि अगर कोई केवल नॉलेज की तरफ जा रहा है इन दोनों को निम्न उसमें ला करके तो वो फॉल्सुड में टर्न हो जाती है कुछ समय के बाद कोई केवल एकांगी की नहीं मुझे तो केवल एकांगी भक्ति चाहिए ज्ञान और कर्म से मेरा कोई वास्ता नहीं तो वो एकांगी भक्ति एक समय के बाद वो इसका रिवर्स हो जाती है जो हम रावण के केस में देखते हैं या कोई व्यक्ति कर्म की ओर जा रहा है साथ ही श्री अरविंद कहते हैं कि पावर भी रहेगी अब ये पावर कैसी होगी सुपरमैन की वो पावर एक बाहरी पावर नहीं होगी जैसे एक टाइटेनिक पावर है वो देवताओं की शक्ति होगी जो जिसके अंदर बड़े सुंदर ढंग से वो बताते हैं कि जिसके अंदर सॉफ्टनेस भी है भी है और लेकिन लैक्सिटी नहीं है यानी वो मृदुहास है लेकिन उसके अंदर ये नहीं है कि वो कोई वीक मूवमेंट आए और वहीं उनके अंदर स्ट्रेंथ भी है लेकिन उस स्ट्रेंथ में क्रूरता नहीं है अगर उनकी वो शक्ति का प्रदर्शन भी होता है लेकिन शक्ति के प्रदर्शन में भी क्रूरता नहीं होती है बर्बरता नहीं होती है बल्कि वो सीधा शक्ति का प्रदर्शन है उसमें ये नहीं कि मेरा नाम हो मेरा फेम हो या मैं निश्चित रूप से इस प्रकार से किसी भी तरह से विजय प्राप्त करूं, ये देवताओं का वो नहीं है जो टाइटेनिक सुपरमैन होगा जो नीच से जिसकी बात करते हैं उसके अंदर क्रोध होगा और रिवोल्ट होगा ये दोनों चीज़ें उसके अंदर प्रोमिनेंट होगी जबकि जो देवत्व का सुपरमैन होगा उसके अंदर आ, एंगर इम्पॉसिबल होगा सीमा बताती हैं इसके बारे में और आगे उस वो शांति में स्थापित होकर काम करेगा इवन जब वो एक वायलेंट एक्शन करेगा तो उसके अंदर की शांति भंग नहीं होगी ये बहुत पावरफुल पैसेज है और आ, इट इज़ वर्थ रियली रीडिंग इसका एक बस छोटा समय पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे डिवाइन सुपरमैन के बारे में देवा और असुरा टू इवॉल्व इन द सेंस ऑफ द गॉड इज टू ग्रो इन ट्यूशन इन लाइट इन जॉय इन लव इन हैप्पी मास्टरी टू सर्व बाय रूल एंड टू रूल बाय सर्विस To be able to be bold and swift and even violent without hurt or wickedness and mild and kindly and even self-indulgent without laxity or vice or weakness. To make a bright and happy whole in oneself and by sympathy with mankind and all creatures. Yehoga Joe Superman. Uh, भविष्य में आएगा बल्कि नलिंदा बताते हैं कि इट इज ऑलरेडी राउंड द कॉर्नर इट मे बी एनी वेयर अराउंड सुपरमैन चेतना डिसेंड कर गई है और कार्य कर रही है शरीर में ऑलरेडी सुपरमैन है इस धरती पर हमको ये मान के चलना चाहिए फिर वो बताते हैं कि सर्टेनली शेरविंद बताते हैं सर्टेनली पावर इज इंक्लूडेड टू बी द डिवाइन मैन इज टू बी सेल्फ रूलर एंड वर्ल्ड रूलर बट इन एनदर देन द एक्सटर्नल सेंस ज ए रूल दैट डिपेंड्स अपॉन ए सीक्रेट सिंपथी एंड वन विच नोज द लॉ ऑफ एनअर बींग्स एंड ऑफ द वर्ल्ड बींग एंड हेल्प और इफ नीड बी कंपेल्स टू रियलाइज इट्स ओन ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटीज बट बाई ए डिवाइन एंड असेंशियली एन इनर कंपल्शन इट इज टू टेक ऑल क्वालिटीज यानी सुपरमैन कभी ऐसे नहीं करेगा देखो ये डिवाइन चीज है तुमको करना ही है बाहर से कोई मैकेनिकल जिसको कहते हैं बाय द रॉड वो ऐसे नहीं रूल करेगा कि नियम है इसको तुमको पालन करना है इस प्रकार से नहीं एक इनर कंपल्शन होगा उसके अंदर एक सिंपथी होगी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हर एक व्यक्ति की इवोल्यूशन की जो धारा है उस सबको समझेगा और एक हेल्पफुल स्वभाव होगा इट इज टू टेक ऑल क्वालिटीज एनर्जीज जॉय सौर थॉट्स नॉलेज होप्स

जो टेलीविजन पे कई बार सारे नहीं पर अक्सर देखेंगे इतनी मालाएं पहन करके बैठे हैं इतने ऊपर उनके और साधारण मनुष्य के बीच मानो मैं बहुत सुपीरियर हूँ इस भाव से ये सुपरमैन का भाव नहीं होता है दे डू नॉट श्रिंक फ्रॉम द क्रॉस एंड द क्राउन ऑफ थॉर्न्स आइदर इन द इनर रिवोल्यूशन और देयर आउटवर्ड फॉर्चून्स फॉर दे नो दैट द ईगो मस्ट बी क्रूसीफाइड

लेकिन टाइटन के साथ क्या है असुर के साथ ये एक पहचान है 62 में जो माँ का बैटलफील्ड है हमें स्मरण रखना चाहिए कि लेकिन टाइटन को एक बाहरी मास्टरी चाहिए उसको एक पावर चाहिए एक पोजीशन चाहिए एक गद्दी चाहिए एक तख्तो ताज चाहिए उसके बिना उसको लगता नहीं है कि मैं ए, रियली कहीं बैठा हूँ फिर उसके बाद वो क्या करता है वॉट इज एक्सप्लॉयटेशन टू हिम अनलेस इट अनिशन दी एक्सप्लॉयटेड वो दूसरों को अपने समकक्ष नहीं आने देगा जेलसीज और ये सब के कारण उनको नीचा करेगा इट इज दिस टू बी एबल टू कोर्स एग्जैक्ट स्ले ओवर्टली इरेजिस्टिवली इट इज दिस दैट फिल्स हिम विद द सेंस ऑफ ग्लोरी एंड डोमिनियन फॉर ही इज द सन ऑफ डिविजन एंड द स्ट्रॉन्ग फ्लॉरिंग ऑफ द ईगो और फिर वो बताते हैं कि इसीलिए जब सागर मंथन होता है तो विष्णु भगवान देवताओं को रिवार्ड देते हैं और लेकिन असुर जो हैं वो शिव के प्रिय होते हैं क्योंकि उन्होंने वो पहले जाते हैं काम करते हैं वो एल्डर देव हैं बड़े भाई हैं लेकिन वो ईगो में रिवोल्ट करके कार्य करते हैं कार्य करते हैं और बाद में देवता आते हैं जैसे वो हल चलाते हैं और देवता आके उसमें फूल के बीज डालते हैं या फलों के बीज डालते हैं पानी देते हैं ताकि वो वृक्ष बने लेकिन जो कठोर काम है हल चलाने वाला काम बंजर भूमि पर ये असुर करते हैं तो शिव उन, उनको प्यार करते हैं लेकिन वो बताते हैं कि शिव ये कार्य करते हैं बेनेवोलेंस में नीलकंठ हैं वो विष धारण करते हैं जान करके डेलिब्रेटली सेक्रीफाइस के रूप में प्रेम के रूप में लेकिन असुर जो ये कार्य करते हैं ये काम वो अनकॉन्शियसली करते हैं और यही उनका अंतर है लेकिन जब तक वो अहंकार में रहेंगे तब तक उनको वो अमृत के अधिकारी नहीं रहेंगे और इसी में वो आगे जाकर कि अंत में सुपरमैन ही है जो मनुष्य को एकता का मार्ग एकत्व का मार्ग दिखा सकता है ये बहुत सुंदर पैसेज है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ श्योरबिंदो वॉल्यूम थर्टीन में है दी सुपरमैन ये बहुत एक पूरा इसमें तीन ऐसेज हैं पर पहले ऐसे का नाम भी सुपरमैन है तो शेयरविंद ने वो बहुत पहले देखा था कि एक ऐसी लिंक आएगी जब मनुष्य का विकास होगा और ये आवश्यकता था था, था था उनको लिखना क्योंकि नीतसे ने भी सुपरमैन की बात की थी लेकिन उसका सुपरमैन टाइटेनिक सुपरमैन है तो वो क्लियर करना चाहते थे कि नहीं ऐसा सुपरमैन नहीं आएगा शेयरविंद भविष्य में देख रहे थे नाइनटीन में जो घटना होने वाली थी और उसके बाद जो सुपरमैन आने वाला था उसको उन्होंने देख लिया था और वे उसके बारे में लिख रहे थे अब सीमा का अनुभव आगे बढ़ता है तो वो बताती हैं कि मैंने जब प्ले में कहा था कि सुपरमैन विल प्रोबेबली बी फर्स्ट बींग ऑफ पावर सो एज टू बी एबल टू डिफेंड हिमसेल्फ दैट्स इट इट्स दैट एक्सपीरियंस तो वही चीज चरितार्थ होती है फिर वो बताती हैं कि वो एक मेंटर होगा और एक गाइड होगा एक प्रकार से वो एक शिक्षक है एक गुरु है इस योग में जो चेतना धरती पर आ गई है और गुरु के रूप में मनुष्यों के अंदर कार्य कर रही है जो भी रिसेप्टिव हैं उनको इवन फिजिकल लेवल पे हर लेवल पे करेक्ट थॉट करेक्ट गाइडेंस वो दिशा दे रही है सबको अंदर ही अंदर से फिर वो बताती हैं इट डजेंट जस्ट कंसर्न इट सेल्फ विद इंडिविजुअल्स इट ऑल्सो कंसर्न्स इट सेल्फ विद इवेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड और उस समय माँ अपने शरीर में अनुभव करती हैं नेवर हैड दिस बॉडी इन दाइंटी वन ईयर्स इट्स बीन ऑन अर्थ फेल्ट सच हैप्पीनेस फ्रीडम एप्सलूट पावर एंड नो लिमिट्स बाहर से कोई इस चीज को देख नहीं पा रहा था क्योंकि ये एक अलग डायमेंशन का अनुभव है नो लिमिट्स नो इम्पॉसिबिलिटीज माँ कहती हैं कि सुपरमैन कॉन्शियसनेस सब नियम चेंज कर दिए हैं कहती हैं कि इस चेतना से जब मैं देखती हूँ लोग जो हाइजीनिक मेजर्स की बात करते हैं फूड के साथ इसके साथ मुझे हंसी आती है इट इज़ चाइल्डिशनेस या जो लोग मैनर्स की बात करते हैं ये न्यू कॉन्शियसनेस हंसती है इसको देख के एम्यूज़्ड होती है कि इनमें बिल्कुल भी सत्य नहीं है जो पुरानी हैबिट्स हैं जो डॉक्टर्स हैं उनकी ये रोग है उसका ये इलाज है तो सुपरमैन कॉन्शियसनेस स्वतः ही देख लेती है कि नहीं ये सत्य है ही नहीं और वो उस पर हंसती है क्योंकि वो शरीर को रिमोल्ड कर रही है एक नई ऊर्जा से अनुप्राणित कर रही है और वो जो पुरानी हैबिट्स हैं जिनके कारण हम जिसको कहते हैं ये रोग हो जाना रोग भी इज ए हैबिट डेथ इज ए हैबिट ओल्ड एज इज ए हैबिट वो सारी चीजें वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर से रिमूव कर रही है फिर कहती हैं इन सच स्माइलिंग पीस दिस ट्रू कॉन्शियसनेस इन सच स्माइलिंग पीस सो स्माइलिंग इनकेपेबल ऑफ गेटिंग एंग्री सुपरमैन की एक पहचान होगी कि वो हमेशा स्माइल करेगा शांत रहेगा और उसके अंदर क्रोध आना ही असंभव है श्री से श्री अरविंद ये दोनों तो परफेक्ट एग्जाम्पल है जब श्री से कोई कहता है माँ आप हमसे थी, माँ कहती माई चाइल्ड आई एम इनकेपेबल ऑफ दैट यानी भगवान किस चीज के लिए इनकैपेबल है क्रोध करने के लिए ये हम लोग कह सकते हैं कि एक चीज है जो भगवान नहीं कर सकता है क्या क्रोध नहीं कर सकता है अब ऐसे रिलीजन से जहां भगवान को क्रोधी बनाया हुआ है भगवान ने इटरनल पनिश कर दिया तो ऑब्वियसली वो आ, असुर है जो उसके शीर्ष पर बैठा हुआ है जैसे जियोवा तो मां कहती है कि ये चेतना जो सुपरमैन की है वो स्माइलिंग है पीसफुल है and it is incapable of getting angry that's absolutely impossible so smiling so smiling and watching wo sab cheez dekhti hai tamasha aur smile karti hai aur amused hoti hai the special character of this new consciousness is no half measures no approximations ye hai perfectionist hai तो इसको ये पसंद नहीं है कि जैसे insincerity कोई चीज़ आधा अधूरा किया नहीं वो कोई चीज़ अगर हो तो वो ठीक से हो पूरी तरह हो ये उसका फोकस रहता है इसलिए वो मेंटर भी है इट डजेंट एक्सेप्ट द आइडिया ओ यस वेल डू दैट एंड लिटिल बाय लिटिल वी विल नो नो नॉट लाइक दैट इट्स यस और नो यू कैन और कैन नॉट वो ये नहीं कि नहीं क्योंकि हम मनुष्य हैं हमको ये भी करना चाहिए नहीं हम लोग शेयरविंद सीमा को पढ़ जाएं तो हमको वो भी करना चाहिए हमें डॉक्टरों में भी विश्वास रखना चाहिए और भगवान में भी विश्वास रखना चाहिए दिस कॉन्शियसनेस रिजेक्ट्स इट एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड गोस टूवर्ड्स इट फिर एक और उसके अंदर एक जो क्वालिटी है सुपरमैन की इट्स रियली लाइक ए ग्रेस यू नो बट दिस ट्रमेंडस पावर इज स्पेश दिस ए मर्सी ए क्लेमेंसी दया का भाव है क्षमा का भाव है क्लेमेंसी जो चीज क्षमा कर देती है नो देर आर नो वर्ड्स वी हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दैट इट्स समथिंग जस्ट पेइंग अटेंशन एंड इट्स ब्लिस जस्ट टर्निंग वंस अटेंशन टू दैट साइड इमिजिएटली इट्स ब्लिस वो आनंद में है फिर हम लोग बस उनके कुछ कुछ अनुभव पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत विस्तार पूरा साल 69 में शीमा सुपरमैन कॉन्शियसनेस को बताती हैं के बारे में कि ये कैसे कार्य कर रही है कैसी होगी शरीर के ऊपर कैसे कार्य कर रही है और अलग अलग भिन्न उस पर कैसे कार्य कर रही है फिर मैं बताती हैं कि इट इज़ समथिंग ये शरीर को क्या प्रदान करती है फ्लूड ट्रांसपेरेंट इथीरियल्स वेयर इज दिस कॉन्शियसनेस विद ए विजन ए परसेप्शन इंफिनेटली सुपीरियर टू द अदर इज सॉलिड एंड कंक्रीट एंड द इम्प्रेशन इज इट्स सो स्ट्रांग आई सेट एट द बिगिनिंग दैट आई फेल्ट एज यू सराउंडेड बाई ए प्रोटेक्शन समथिंग सॉलिड ये आई माँ शरीर की बात कर रही हैं इट्स रिमेन लाइक दैट विद दिस सॉलिडिटी एंड इन दिस समिंग आई मस्ट कॉल बेने वोलेंस फॉर लैक ऑफ ए बेटर वर्ड देर इज सच एन एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर ऑफ कंपैशन तो इसके अंदर करुणा है बेने वोलेंस और वह वो कैसी करुणा है समथिंग लाइक ऑलमोस्ट एन इनटॉलरेंस ऑफ सफरिंग पीड़ा नहीं होनी चाहिए संसार में कष्ट नहीं होना चाहिए ऑफ फिजिकल सफरिंग वो ये नहीं कि हाँ अच्छा है पीड़ा में कुछ लोग उनकी फिलॉसफ़ी होती है नेचुरली उसने ऐसे कर्म किए हैं उसको पीड़ित होना चाहिए दंडित होना चाहिए ये एक्सेप्ट नहीं करती है किसी भी प्रकार की पीड़ा को सफरिंग को भौतिक सफरिंग को इट्स नॉट मच इंटरेस्टेड इन द मॉरल सफरिंग दैट सीम्स स्टेम्स फ्रॉम ए मॉरल डिस्ट्रॉशन इट फाइंड्स इट डिओिक यानी सेंटिमेंटली लोग जो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाते हैं वो उसको मूर्खतापूर्ण लगता है लेकिन मेटीरियल सफरिंग दैट कम्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द मेटीरियल वर्ल्ड इट फाइंड्स दैट अनएक्सेप्टेबल उसको रोग स्वीकार नहीं है नहीं होना चाहिए निर्मूल होना चाहिए फिर आगे चलते हैं तो सीमा इसके बारे में बताती हैं दिस कॉन्शियसनेस इज वेरी इंटरेस्टिंग फिर मां मुस्कुराने लगती है क्यों क्योंकि वो जो कहने जा रही है हम लोग उसको कैसे समझेंगे इट्स नॉट स्कॉर्न इट्स सॉर्ट ऑफ इट हैज इट्स नॉट स्कॉर्न क्या है इस चेतना के पास इट्स ए सॉर्ट ऑफ फार अवे फारिफ्रेंस फॉर ऑल ह्यूमन आइडियाज जो मनुष्य बकबक करते हैं ये ओपिनियंस व्यू पॉइंट्स ऑल कन्वेंशंस ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए जो हम कॉन्स्टेंटली जज करते हैं ऑल प्रिंसिपल्स जो आइडियलिस्टिक की बात करते हैं ऑल मॉरेलीज इट फाइंड्स ऑल ऑफ दैट एब्सोल्यूटली ग्रोटेस्क उस चेतना के लिए सब बहुत क्रूड है क्योंकि वो जो देख रही है एक, एक प्रकाश जो गुड और बैड की परे है इट्स ए बेनेवोलेंट मेंटर है नाउ एंड देन इट कम्स इन टू कॉन्टेक्ट विथ ह्यूमन आइडिया मदर टेक्स से सरप्राइज टोन ऑफ वॉइस जब वो ह्यूमन आइडिया के कॉन्टेक्ट में आती तो ये चेतना कहती ओह सो दैट्स वॉट दे थिंक इट्स अम्यूजिंग, लोग इस तरह से सोचते हैं दो चीजें इसको बिल्कुल समझ नहीं आती यानी इन द सेंस वो है ही नहीं इसके लिए रियालिटीज देर आर टू थिंग्स डेथ

इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकती है इन्वेस्टमेंट <laughs> उसको नहीं समझ आते और साथ ही उसको मृत्यु नहीं समझ आती क्या है मृत्यु होती ही नहीं है ये तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है तो मृत्यु से अटैच होकर जब लोग पीड़ित होते हैं फिर मैं एग्जाम्पल भी देती हैं कि कैसे एक यंग गर्ल की डेथ होती है तो लोग इतना सीरियस इतना वो माँ कहती हैं कि एक्चुअली मैंने जब उधर देखा इस चेतना से तो वो लड़की तो ये एक्सपीरियंस लेके जाना चाहती थी शी इज़ हैप्पी ल्यूमिनस स्माइलिंग यहाँ तक कि एक एक बच्चे की डेथ में माँ बताती है कि जब पेरेंट्स आते हैं तो वो उसकी सोल भी आती है जो चार साल का बच्चा जो चला गया है एक दूसरे बच्चे की कहानी बता रहा हूँ और वो सीमा के हाथ को पकड़ के कहती है कि मेरे पेरेंट्स को ना ये फूल दो माँ कहती जब मैं बच्चे को देखती हूँ उसकी सोल को तो आई एम स्माइलिंग लेकिन पेरेंट्स को मैं क्या कहूँ वो तो इस चीज़ को समझेंगे नहीं तो वो फिर वो फूल देकर के चली जाती हैं कहती हैं कि चीज़ परफेक्टली फाइन डोंट वरी और उसका प्रभाव होता है क्योंकि जब कोई अनुभव से किसी चीज़ को बताता है डायरेक्ट तो उसका प्रभाव होता है ये चीज़ को इंटेलेक्चुअली नहीं कहा जा सकता तो वो ये देखती है कि ये कॉन्शियसनेस बताती है कि वास्तव में मृत्यु कुछ है ही नहीं ये तो एक मिथ्यात्व है जिसको हाँ जिसमें हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं फिर वो बताती हैं कि कॉन्शियस क्या कॉन्शियसनेस क्या लेकर के आई है और वो क्या चाहती है द स्टेप फॉरवर्ड ह्यूमैनिटी मस्ट टेक इमिजिएटली इज ए डेफिनेटिव क्योर ऑफ एक्सक्लूसिविज्म दैट्स वॉट इज इन एक्शन नॉट ओनली द सिंबल बट ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ डिविजन एंड सेपरेशन दे ऑल से दिस एंड नॉट दैट देखिए हम ये रिलीजियस है सीक्रेड है वो प्रोफेन है मंडेन है ये स्पिरिचुअल है ये साधारण चीजें हैं ये मेटीरियल लाइफ है इसका इसे कोई लेना देना नहीं करना पड़ता है क्योंकि जीवन का कार्य संभार है तो ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है मेटीरियल लाइफ के लिए बॉडी के लिए लेकिन ये उसको कदापि स्वीकार नहीं है नो दिस एंड दैट एंड दिस टू एंड दैट टू एंड एवरीथिंग एट द सेम टाइम सारी सृष्टि को वो लेकर के ऊपर उठाती है सारी गतिविधियों को दिव्यत्व की ओर ले जाती है टू बी सपल अनफ एंड वाइड एनफ फॉर एवरी थिंग टू बी टुगेदर तो इस चेतना में मेटीरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ का भेद नहीं है रिलीजियस लाइफ और सेकुलर लाइफ का भेद नहीं है इनर लाइफ आउटर लाइफ का भेद नहीं है सेक्रेड और प्रोफेन इनका भेद नहीं है यह हर चीज को दिव्यत्व की ओर ले जाती है तो उसमें दो चीजें जो हैं एक है इसके अंदर एक वाइडनेस है विशालता है और एक नमनीयता और रिजुता है और फिर अंत में सीमा इसके बाद बताती हैं मार्च सेवन नाइन सेवन अब चौदह महीने हो गए इस कॉन्शियसनेस को आए हुए और मैं इसका अंतिम भाग बताती हैं कि चौदह महीने हो गए और इसने जो जो करना था वो कर दिया है बट माई इंप्रेशन इज दैट दिस कॉन्शियसनेस इज अवे ऑल सोशल कन्वेंशंस ऑफ गुड मैनर्स गुड अपब्रिंगिंग सो ऑफकोर्स ऑल दोज हु डोंट हैेरी डीप रूट बिहेव लाइक इनड चिल्ड्रेन आप ये भी बता रही हैं कि पहले क्या था लोगों के सोशल रूट्स थे रिलीजियस रूट्स थे ट्रेडिशनल रूट्स थे ये सब चले गए हैं लेकिन उसकी जगह क्या आ रहा है कई बार जो हम जिसको कहते हैं कि वो इल मैनेड है उसके पीछे भी एक सत्य होता है ये बच्चे जो नई एज के हैं वो इसलिए है रिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि आप उम्र में बड़े हैं या आप उनके चाचा या ताऊ लगते हैं वो चला गया ताऊजी जी तो पांव लागो खत्म हो गया ये बच्चे कब कर रेस्पेक्ट करते हैं अगर वो आपके अंदर जेनविननेस देखते हैं और कोई कारण से आप इनको ये नहीं कह सकते कि उनको पाँव छुओ ये आपके चाचा जी हैं उम्र में बड़े हैं उनका ये अहदा है ये सब चीजें समाप्त हो गई हैं तो वो इल मैनर्ड लगते हैं वो आपके मुंह पर बोल देंगे कि आप ये जो कह रहे हो ये ठीक नहीं है ये गलत है तो आपको ये बुरा लग सकता है कि अरे हम इतने बड़े हैं बुजुर्ग हैं हमको ऐसे कह रहा है ये बच्चा लेकिन यही बच्चे हैं जो इस संसार को बदलेंगे यही वो नचिकेता है और ऐसे उस समय एक नचिकेता है एक सत्य काम है आज हम देखेंगे कि घर घर में नचिकेता और सत्यकाम पैदा हो रहा है यह सतयुग है लेकिन माता पिता को लगता है कलयुग है नेचुरली अब बच्चे आ गए ना पॉइंट करने के लिए कि आप भी गलत हो सकते हो हमने कभी अपने माँ बाप से प्रश्न नहीं किया ये बच्चे हमको सिखाएंगे बच्चे ही सिखाएंगे क्योंकि ये बच्चे नहीं हैं, इनके अंदर एक नई चेतना है फिर आगे वो बताती हैं मां कि दैट वॉज द ओल्ड डिविजन मेड बाय द माइंड और एक डिवीजन जो ये समाप्त करने वाला है ये चेतना कि व्हाट अपीयर्स इन एस्केपेबल सारे जो कंस्ट्रक्शन है हैबिट्स हैं एंड इन इन डिजीजेस वो सब समाप्त होने वाला है कि इसका क्योर नहीं है अब ऑफ कोर्स हम पुरानी चेतना को बिलोंग करते हैं तो वो अलग बात है हम विश्वास करते हैं कि नहीं वायरस से हम मर जाएंगे इससे मर जाएंगे कैंसर है क्योर नहीं है तो वी बिलोंग टू द ओल्ड वर्ल्ड लेकिन ये कॉन्शियसनेस जो हमने पढ़ा सर्टिट्यूड लाती है बेने विद ए सर्टिट्यूड विद ए कन्विक्शन इसको पता है कि नहीं ये सत्य नहीं है ये एक हैबिट है जो हजारों वर्ष से शरीर ने ले लिए हजार वर्ष भी नहीं होंगे शायद इस प्रकार से रोग के साथ जो हम लोगों का तालमेल बैठा है ये माइंड की पीक के साथ है मे बी फ्यू हंड्रेड इयर्स और वो रोग रोग करते हुए डॉक्टर्स मल्टीप्लाई हुए हॉस्पिटल मल्टीप्लाई हुए तो अब हम नाना प्रकार के रोगों के जंजाल में फंस चुके हैं लेकिन ये चेतना इस तरह से कार्य नहीं करती है वो देखती है डिसऑर्डर है और उसमें ऑर्डर लाना है डिसहारमोनी है उसमें हारमोनी लानी है तो ये चेतना डिवीजन पहले माइंड क्या करता था वेरी फाइन यू मे अंदर की चेतना में जो अनुभव लेने हो ले लो एंड इम्प्रेशन दैट वेन वन इज बॉर्न इज बॉर्न अगेन इन टू दी होपलेस वर्ल्ड और उससे क्या फिर जन्म लेता था यहां से निकल जाना ही अच्छा है और वहां से सारी एस्केपिज्म आती है

केवल अंदर की चेतना में कौन संतुष्ट हो सकता है इस हाफे में से मुझे भी तो बचपन से आश्चर्य होता है कि अंदर में आपने ब्लिस एक्सपीरियंस किया प्लीस पीस एक्सपीरियंस किया भगवान का भी दर्शन दे कर लिया लेकिन बाहर का जीवन अगर चेंज नहीं होता है तो वट इज़ द यूज़ ऑफ़ इट ये तो सेल्फिशनेस है माँ इसको प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में कहती है मिस मिस्टिसिज्म एवरीथिंग मस्ट चेंज राइट डाउन टू दी आउटर पूरा संसार चेंज होना चाहिए हम हम दोनों हम लोगों का एक दूसरे से व्यवहार रिलेशनशिप संबंधों का आधार सृष्टि के साथ केवल मनुष्यों के बीच में नहीं सृष्टि के साथ सब कुछ परिवर्तित होना चाहिए रूपांतरित होना चाहिए उसमें एक दिव्यता की सुगंध आनी चाहिए तो वो ये चेतना लेकर के आती है और यहाँ तक कि देह का भी एक निर्वाण संभव है देह का दिव्य होना संभव है एक एक सेल्स का दिव्यीकरण संभव है फिर वो बताती हैं नेचुरली फॉर थिंग्स टू बी ट्रूली एस्टैब्लिस्ड इट्स गोइंग टू टेक टाइम तो ये मत समझो कि अब माँ की चेतना में हो गया है तो अब ये बस कल होने वाला है सबके अंदर लेकिन ये मार्ग खुल गया है माँ बताती हैं कि ये सुपरमैन कॉन्शियसनेस ही मनुष्य को बताएगी कि कैसे सुप्रमेंटल बीइंग सामने आएगा क्योंकि वही अब ह्यूमन बॉडी को ट्रेन करेगी सुप्रमेंटलाइजेशन के लिए उसमें भी संभावनाएं बताती हैं कि शरीर छोड़ने के बाद यह संभव है कि पूरी तरह सचेतन रूप से वो बीइंग किसी और वूम्ब में कोई बच्चा है उसके साथ जुड़ जाए और इंस्टेड ऑफ वो पूरा एक फिर से सोल आएगी नए शरीर में ये सुपरमैन कॉन्शियसनेस पूरी तरह सचेतन बीइंग किसी बच्चे के साथ या एक नए कईयों के अंदर माँ कहती है कि इट इज़ पासिंग इन टू एवरी बॉडी जहाँ भी रिसेप्टिविटी है वो अब एक बॉडी की बात ही नहीं है उसके साथ जुड़ जाए और एक नए ढंग से एक्सपीरियंस करे और तब बताते हैं कि अब मैं देख सकती हूँ कि शी अरविंद ने पीछे जा कर के कितना कुछ तैयार किया है और ये सब उन्हीं की कृपा का प्रसाद है सुपरमैन कॉन्शियसनेस का आना इट हैज टू बी वर्कड आउट एज द से रियलाइज इन एवरी डिटेल बट द चेंज इज डन द चेंज इज डन विच मींस दैट द मेटीरियल कंडीशन विच वेर इलेबोरेटेड बाई द माइंड फिक्स्ड बाय इट एंड विच अपियर सो इनस्केपेबल टू सच ए पॉइंट दैट दोड ए लिविंग एक्सपीरियंस ऑफ द हायर वर्ल्ड थॉट

एक नए ढंग से हो सकता है क्योंकि शरीर की चेतना अब सूक्ष्म हो रही है जब शरीर की चेतना बहुत क्रूड होती है तब तो उसको बड़े स्ट्रांग वायलेंट मींस की ज़रूरत पड़ती है सर्जरी की स्ट्रांग मेडिसिन की लेकिन जब चेतना सूक्ष्म हो जाएगी जो आयुर्वेद में एक बार एक समय ट्राई किया जाता था तो शरीर की चेतना सूक्ष्म हो जाएगी तो सूक्ष्म दवाइयाँ होम्योपैथी फ्लावर रेमेडी या कुछ भी नहीं केवल ध्यान स्मरण इन्वोकेशन शांति ये शरीर के ऊपर एक्ट करेंगी अभी क्योंकि शरीर की चेतना बड़ी क्रूड है इसलिए ये काम नहीं करती हैं और व्यक्ति इग्नोरेंट ही कहता है देखो नहीं हमको दवाई की ज़रूरत है लेकिन जैसे जैसे ये चेतना सूक्ष्म होती जाएगी कालांतर में इसका तो आई एम सर्टेन पचास वर्ष बाद में जो बच्चे होंगे जब वो पढ़ेंगे कि उस समय के डॉक्टर दवाइयाँ देते थे और सर्जरी करते थे वो कहेंगे कैसे क्रूड लोग थे ऐसे लोग थे इतने मूर्ख थे इतने क्रूर थे जैसे आज हम हंसते हैं कि पुराने समय में लीचिंग होती थी और ब्लड लेटिंग होती थी वैसे ही वो लोग हंसेंगे नेचुरली वट वॉज एस्टैब्लिश हैंग्स ऑन टाइट एंड डिफेंड्स इट सेल्फ डेस्परेटली क्योंकि उसका राज्य है डॉक्टरों को वकीलों को पुलिस को ये इनको भी तो अपना धंधा चलाना है तो उनको तो ये पसंद ही नहीं आएगा कि ये अपने आप अंदर से चेंज आ सकता है राजनेताओं को इसलिए अभी एंड्योरेंस की जरूरत है इट हैज टेकन दिस हाँ नेचुरली वट वॉज एस्टैब्लिश हैंग्स ऑन राइट एंड डिफेंड्स इट सेल्फ डेस्परेटली दैट्स द कॉज ऑफ दिस होल ट्रबल पूरे वातावरण की बात कर रही है बट इट हैज लॉस्ट द बैटल इट्स ओवर इट्स ओवर इट टेकन दिस कॉन्शियसनेस ए लिटल मोर देन एयर टू विन दिस विक्ट्री

दैट वन कूड हैव ओनली वेन गोइंग आउट ऑफ मैटर इट्स श्योर श्योर एंड सर्टेन दैट वी विल हैव इट राइट ही मानव देह में ही यह रियलाइजेशन होगा अनुभव होंगे जो जिसके लिए ध्यान और ध्यान के बाद अंदर की चेतना में अंदर जाना अब अंदर ही बाहर आ गया है इसका एक छोटा सा उदाहरण जब लोग मेडिटेट करते थे सीमा के साथ में सीमा आंखें खुली रखती थी शेयरबिंद भी तो कुछ लोग लेफ्ट साइड बैठते थे कुछ राइट कुछ सामने वो एक रिप्रेजेंटेशन था नॉलेज का पावर का इत्यादि का तो अमल किरण तो आंखें खुली रखते थे और देखते रहते थे माँ को फिर कभी कभी वो इधर उधर डिसाइपल्स को भी देखते थे और स्केचेस भी बना देते थे उनके यूमरे स्केचेस पुरानी जी की गर्दन बड़ी छोटी और वो बैठे बैठे जब वो अंदर जा रहे हैं तो गर्दन लुढ़कती है तो उन्होंने उसका उनका स्केच बना के ये भी लिखा था अंडर माइंड बाय द ओवर माइंड या अंडर माइंड बाय द सुपर माइंड खैर वो कहते हैं कि मां सामने बैठी है तो मैं अंदर क्यों जाऊं तो ये भी एक भाव है एक है कि अंदर जाना भगवान को खोजना जब दिव्यत्व तो हमारी कोशिका में उतर आएगा जब वो पुष्प की सुगंध की तरह हमारे एक एक अणु में फैलने लगेगा जब उसका प्रकाश हमारे शरीर से बिकीन होने लगेगा जब वो प्रेम और माधुर्य हम अपनी हर चीज के संबंध में अनुभव कर सकेंगे जब वो आनंद सहज स्वाभाविक स्वतः स्फूर्त हमारे जीवन में प्रकट होगा पूरे वातावरण में रहेगा तो फिर भगवान की खोज में अंदर कौन जाएगा क्योंकि भगवान स्वयं बाहर आके इस सृष्टि को अपने आलिंगन में ले लेंगे इट लुक्स इट लुक्स लाइक ए मेरेकिल इन द बॉडी The disappearance of this formation really looks like miraculous. Poor jo old Uska formations, hai. and everything becomes clear. It has it's the fourteenth month since the consciousness came, fourteenth month twice seven. To disciple Pusta, hai, does it mean that all the human consciousnesses that have a little faith now have the possibility of emerging from this mental hypnosis? मेंटल हिप्नोसिस क्या है इस पर तो पूरी विस्तार से एक पूरी वर्कशॉप हो सकती है हर चीज हमारी मेंटल हिप्नोसिस है यहां तक कि जिसको हम एविडेंस कहते हैं वो कुछ नहीं है सेंसेस हमको जैसे दिखाती हैं आज ही किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा था कि आप इस फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हो एज के अनुसार हमारी वो फ्रीक्वेंसी डिमिनिश हो जाती है तो अब सोचिए केवल साउंड कितनी फ्रीक्वेंसी की एग्जिस्ट करती है लेकिन हमारी रेंज लिमिटेड है साइट लिमिटेड है तो हिप्नोसिस तो वहां से प्रारंभ होती है तो सारा एविडेंस जो बेस्ड है इस पर वो सब एक हिप्नोटिक स्पेल है जो माइंड ने क्रिएट किया है तो डिसाइपल पूछता है कि जिनके अंदर थोड़ी सी भी श्रद्धा है वो इस मेंटल हिप्नोसिस से इस ब्रह्म जाल से मन के रचे हुए ब्रह्म जाल जिसको हम सच समझते हैं उससे उभर कर निकल आएंगे मां कहती हैं यस यस एग्जैक्टली 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 1970 हम लोग यहाँ रुकेंगे और कल फिर आगे बढ़ेंगे नमस्ते